subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. OnePlus ने अपना नया डिवाइस 6T आखिरकार पेश कर दिया है और आप देख सकते हैं कि फोन मेरे पास आ चुका है और आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं। हालांकि जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये रिव्यूअर्स बॉक्स है, आपको ऐसा बॉक्स नहीं मिलेगा। आपको कैसा बॉक्स मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए बिना किसी देर के इस बॉक्स को खोल लिया जाए और मैं आपको बॉक्स कंटेंट दिखाता हूं, बताता हूं कि जब आप इस फोन खरीदेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये रहा फोन का बॉक्स जो कि आपको रिटेल यूनिट मिलने वाली है जब आप OnePlus 6T को खरीदने जाएंगे। इसको मैं अभी यहां रख देता हूं और इसके अलावा बता दूं जो यूनिट मिली है उसमें हमको ये एक फोन क्लिक क्लैंप मिल जाता है जिसमें आप फोन को पीछे चिपका के इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक क्लॉथ मिला है हमें फोन की स्क्रीन साफ करने के लिए। इसके अलावा एक्सेसरी पैकेज दिया गया है, देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसी का पार्ट है वो, और इसके जो दूसरा बॉक्स पड़ा है यहाँ पे क्या मिलता है आपको। हालांकि ये सब जो है ये रिव्यूअर्स यूनिट है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, मैं फिर से बताता हूँ। तो इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज मिल जा रही हैं जो कि कंपनी आपको अलग से मुहैया करवाएगी, आप इसको खरीद पाएंगे। ये है OnePlus के ईयरफोन्स जो कि आप मार्केट से ऑलरेडी खरीद सकते हैं। टाइप सी बुलेट्स ईयरफोन्स हैं ये, कंपनी ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है और इनका प्राइस भी रिवील कर दिया है। और ये सब कवर्स भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सब अगर आप लेना चाहते हैं तो ये अलग से आपको लेना पड़ेगा, कुछ भी आपको बॉक्स के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग कलर्स और अलग अलग पैटर्न वाले आपको बैक पैनल मार्केट में उपलब्ध होंगे, तो आप इनमें से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। पर एनीवे ये तो थी रिव्यूअर्स यूनिट, इसलिए आपको ऐसा सामान हमें इस फोन के साथ मिला है। पर आपको क्या मिल रहा है, आपको ये सब मिल जाएगा। और ये अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग में दिखा देता हूँ कि आपके लिए कंटेंट कंपनी क्या अवेलेबल कर रही है। तो चलिए अब बिना किसी देर के इसके बॉक्स को हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सेसरीज आपको इसके साथ मिल रही हैं। तो ये मैंने ऊपर से सेलो फिल्म उतार ली। ये रहा OnePlus 6T आपके लिए, अब इसके बॉक्स को खोल लिया जाए। और यहाँ पर मैं आराम से बॉक्स को निकाल लेता हूँ, बहुत ही स्मूथली निकल गया है। और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट क्या है। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार दिखने वाला स्मार्टफोन पड़ा है। शानदार दिखने वाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़ोन की लीक्स जो है वो कई बार हम देख चुके हैं और काफ़ी समय से इस फोन के बारे में जानकारी आ रही है। और देख सकते हैं कि लीक्स के मुताबिक ही इसमें आपको स्पेसिफिकेशन मिलने के चांसेस हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पर आपको एकदम स्मॉलर नॉच मिल जाता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच की तरह है। पर एनीवे फ़ोन को ऑन करते हैं और इसको फ़ोन को मैं साइड में रखता हूँ। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि पहले के मुकाबले फ़ोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी है, हाथ में अच्छे से फिट हो जाएगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको भी निकाल देते हैं। इस एरिया में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। फ़ोन देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है, पर फ़ोन के बारे में बाद में बात करते हैं, बॉक्स कंटेंट पर भी गौर किया जाए। हर जगह कंपनी ने अपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की ब्रांडिंग की है। तो जब आप इस लिड को खोलेंगे तो आपको एक ये अनलॉक द स्पीड करके गाइड मिल जाएगी। पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से की है OnePlus ने। ये रहे OnePlus के कुछ स्टिकर्स, ये सिम इंजेक्शन टूल, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड और ये क्विक स्टार्ट गाइड। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और कवर को हम यहाँ रख लेते हैं। इसके अंदर और क्या है, कुछ भी नहीं है। और इनविटेशन लेटर दिया गया है जो कि कंपनी के CEO की तरफ से है, इसको हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपको सेम पहले की तरह ही टाइप सी केबल मिल जाएगी, डैश चार्जर मिलेगा। और इस बार जो अच्छी चीज़ है वो ये कि इस पर आपको कंपनी एक अलग सा ये डोंगल मुहैया करवा रही है जिसमें एक तरफ टाइप सी का ऑप्शन है और एक तरफ 3.5mm ऑडियो स्लॉट दिया गया है। यानी OnePlus 6T में 3.5mm ऑडियो जैक कंपनी ने हटा दिया है। अब बात की जाए इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले बेहद ही शानदार है और ये फोन आपको जरूर पसंद आएगा। हालांकि डिस्प्ले का साइज पहले के मुकाबले काफी बड़ा कर दिया गया है। 6.41 इंच का इस बार आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि स्मॉलर नॉच के साथ आता है, जो कि आप दूसरे फोन में भी देख चुके हैं जिनको दूसरी कंपनीज वाटर ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप या फिर हेलो नॉच बोलती है। लेकिन इसमें कंपनी ने अपने नॉच का नाम कुछ दिया नहीं, साथ साथ नीचे की तरफ जो ये चिन्ह दिया है वो बहुत ही स्लीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो फोन है वो डिस्प्ले से भरा है और सिर्फ ऊपर की तरफ आपको छोटा सा ये नॉच मिल जाता है। ओवरऑल फोन की लुक आपको काफी पसंद आएगी और काफी हैंडी कर दिया है कंपनी ने स्मार्टफोन को। और वजह यही है कि नॉच नहीं है तो स्क्रीन साइज बड़ी होके भी
फोन का साइज छोटा कर पाई है कंपनी। साथ साथ मेटल फ्रेम मिलेगा आपको हमेशा की तरह और बैक साइड पर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। मिरर ब्लैक ये मॉडल हमारे पास आ चुका है और डुअल कैमरा के साथ साथ यहाँ पर वन प्लस की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और नीचे की तरफ डिजाइन बाय वन प्लस लिखा है। आप इधर देखेंगे तो आपको स्पीकर ग्रिल और टाइप सी पोर्ट मिलेगा। राइट साइड में पावर बटन दिया है और ये वन प्लस का जो बटन है साइलेंट करने के लिए जो पेटन बटन है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको वॉल्यूम लॉकर की और सिम ट्रे मिलती है और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया। यानी आप देख सकते हैं कि 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है इस बार इस फोन में। उसके लिए कंपनी आपको एक अटैचमेंट मुहैया करवाई है ताकि आप दूसरे 3.5 mm ऑडियो जैक वाले ईयरफोन्स इसमें प्लग कर सकें। और ओवरऑल फोन की लुक काफी पसंद आ रही है मुझे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से और आपको भी डेफिनेटली फोन जरूर पसंद आएगा। बात करें इसके इंटरनल्स की तो कुछ खास चेंजेस नहीं है OnePlus 60 में एक्सेप्ट फॉर द फिंगरप्रिंट सेंसर एंड द बैटरी। एक बार मैं अब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का डेमो दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और कंपनी इसको काफी फास्ट भी बता रही है कि दूसरे फोन के मुकाबले ये काफी फास्ट है। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इजी सा पासवर्ड रखता हूं मैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एनिमेशन भी कुछ अलग सी लग रही है। बहुत जल्दी से फिंगरप्रिंट इसने मेरा रीड करके सेव कर लिया है। अब एक बार अनलॉक करके देख लेते हैं। तो यहां से मैंने बटन दबाया अनलॉक का। हालांकि सेटिंग में हो करके आप इसको जरूरी नहीं है कि आपको बार बार अनलॉक का बटन दबाना पड़े। और देख सकते हैं कितना क्विक रिस्पॉन्ड करता है ये। टच करते ही खुल जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि मैं अभी वीवो का फोन यूज कर रहा हूं और उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है मुझे इतना फास्ट नहीं लगा। और एक बार मैं आपको उसका डेमो भी दिखा देता हूं। ये रहा वीवो का फोन मेरे पास में और यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो है वन प्लस के मुकाबले। लेकिन यहां वन प्लस का आप देख सकते हैं टच करते ही फोन अनलॉक हो जा रहा है। तो काफी फास्ट है इसका ये फिंगरप्रिंट सेंसर। अब बात करें इसके दूसरे जो चेंज है वो है इसकी बैटरी। 3700 mAh की बैटरी आपको इस बार इस फोन में मिल जाती है। उसके अलावा 64 GB वेरिएंट अब कंपनी ने हटा दिया है। 6 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। 8 GB रैम के साथ भी 128 GB की मिलेगी और 8 GB रैम के साथ आपको 256 GB की स्टोरेज भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ पहले की तरह ही इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट दिया है और इसमें आपको 16+20 MP का डुअल रे सेंसर मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं कि काफी फास्ट है शटर स्पीड इसकी। और पोर्ट्रेट मोड है इसमें, नाइट मोड है। वीडियो में जाके जरा हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है। 1080p 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है। कैमरा सेम है, प्रोसेसर सेम है, रैम वेरिएंट भी सेम है, स्टोरेज वेरिएंट 64 GB का हटा दिया गया है। बैटरी इंप्रूव हुई है और आपको इसमें एंड्रॉयड पाई मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन OS वर्जन 9.0 दिया है और एंड्रॉयड वर्जन 9। तो ओवरऑल फोन की लुक्स काफी इनहेंस है और छोटी मोटी चीजें भी कंपनी ने इसमें इंप्रूव की हैं। आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मुहैया कराने की कोशिश कर रही है कंपनी। प्राइसिंग हालांकि थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, अभी कंपनी ने प्राइसिंग रिवील नहीं करी है, वो हमें कल पर चलेगी। पर आपको बता दूं कि लीक्स के मुताबिक इस फोन की जो स्टार्टिंग कीमत हो सकती है वो है 37,999 rupees और जो कि 45,000 rupees तक जाएगी। पर एनीवे अगर आप इस फोन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।